नासिक न्यूज में अब खबरें बिहार की सियासत से जुड़ी, जिसमें एक पत्रकार की हत्या के बाद जबरदस्त शोर मचा हुआ है। अररिया में पत्रकार की हत्या मामले में बिहार पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस के हत्थे चार आरोपी। एसपी ने कहा, शुरुआती जांच के मुताबिक आपसी रंजिश में अज्ञात बदमाशों ने की वारदात। पटना में एडीजी जेएस गंगवार ने कहा, परिजनों के मुताबिक 2019 में विमल के भाई की हत्या हुई थी। मामले में पत्रकार की होनी थी गवाही। आशंका है इसलिए की गई हत्या। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। अररिया में मारे गए पत्रकार विमल के रिश्तेदार ने कहा, विमल के भाई डब्बू की 2 साल पहले हुई थी हत्या। मामले में विमल इकलौते गवाह थे। परिजनों के मुताबिक दोनों भाइयों की हत्या का आरोपी एक है। पत्रकार की हत्या पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, साहस दिखाते पत्रकार की कर दी गई हत्या। ऐसे में कोई और कैसे दिखाएगा हिम्मत। बिहार में कानून व्यवस्था जर्जर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, जिस राज्य में पत्रकार पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं, महिला विधायक खुद को सुरक्षित नहीं मानती, वहां के सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार में हुए पत्रकार हत्याकांड पर अश्विनी चौबे ने कहा, बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म है। अब नीतीश कुमार के जाने का समय आ गया है। जल्द ही उनकी राजनीति से विदाई होने वाली है। पटना में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लगाया आरोप, उपद्रवियों को किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि उन्हें राज्य सरकार और जेडीयू आरजेडी के लोगों का मिल रहा है संरक्षण। पत्रकार की हत्या को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश पर साधा निशाना। बिहार में साफ दिख रहे हैं हालात, पुलिस पत्रकार गवाह मारे जा रहे, नीतीश जी चैन की नींद सो रहे। पत्रकार की गोली मारकर हत्या पर बोले केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, बिहार में नहीं है कानून व्यवस्था का राज। सुशासन देने का वादा करने वाले नीतीश चले गए हैं जंगल राज में। कानून व्यवस्था की स्थिति पर बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी का काम है बिहार को बदनाम करना। दिल्ली से ज्यादा क्राइम वहां है जहां देश के पीएम रहते हैं। पत्रकार की हत्या पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, नीतीश कुमार से उचित कार्रवाई है की उम्मीद है। भाजपा पर बोला हमला। मणिपुर हिंसा पर पार्टी ने एक भी शब्द नहीं कहा। अररिया में पत्रकार की हत्या पर बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने पटना में विरोध प्रदर्शन किया। यूनियन ने बिहार सरकार के पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी की मांग की। अररिया में पत्रकार विमल यादव की हुई हत्या के विरोध में बिहार शरीफ में निकाला गया कैंडल मार्च। लोगों ने सरकार पर लगाए आरोप, बोले बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है। राजस्थान के अलवर में जंगल में लकड़ी काटने पर विवाद हुआ। एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इलाके में तनाव। चार आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। राजस्थान में गहलोत की चुनावी स्कीम फेल। कई जगहों पर नहीं मिल रहे स्मार्टफोन। दौसा में ई वॉलेट से फंड ट्रांसफर होने के बाद भी स्मार्टफोन के लिए दर दर भटक रही महिलाएं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, यह आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।